मछली 10 रुपये पीस देते हैं, 10 रुपये पीस मात्र। हाँ, और चिकन भी, चिकन भी 10 रुपये पीस। और जो मटन होता है वो केवल खाने जाए तो, मटन खा लेगा तो 20 रुपये पीस पड़ेगा, 20 रुपये पीस पड़ेगा। देखिए 10 रुपये पीस आपको मिलने वाला है मछली भाई, 10 रुपये में तो हम कभी खाए भी नहीं है भाई। मतलब चावल जितना खा सकते हैं अनलिमिटेड, 3 बार 4 बार 5 बार जितना लेना है लेते रहे, हमेशा आते हैं बाजार खाने। बहुत बढ़िया, खाते हैं उसके बाद काम करते हैं, एंजॉय करते हैं पूरा ना। मेरा नाम है धीरू और स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज एक और यूनिक सा वीडियो लेकर के आए हैं। आज एक बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और ये बाजार जो है वो सुबह सुबह लग जाता है, 6 बजे से लगना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है। और जैसे कि दोस्तों बाजार में बहुत यूनिक सा चीज़ मिलता है, तो हम बाज़ार को आज पूरा घूमेंगे और बाजार में पूरा बहुत सारे वेराइटीज यहाँ आपको मिलेंगे। यहाँ पे चिकन मटन मछली, 10 रुपये पीस आप मछली नहीं खाए होंगे कभी, 10 रुपये पीस आपको चिकन मिलने वाला है, 15 या 20 रुपये में आपको मटन मिल जाएगा। और अगर आप चावल भी साथ में लेते हैं तो चावल का जो रेट होता है वो 40 रुपये होता है। चावल का रेट 40 रुपये इसलिए होता है क्योंकि आप चावल जितना खा सकते हैं अनलिमिटेड, 3 बार 4 बार 5 बार जितना लेना है लेते रहिए और खाते रहिए, और ग्रेवी दबा के लीजिए जितना बार लेना है। ये चीज़ हमको बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे लोग एफर्ट नहीं कर पाते, इसीलिए हम यहाँ पे आ गए हैं ये बाज़ार और दिखाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है वो दिखाते हैं और थोड़ा हम टेस्ट करेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को। आइए तो यहाँ पे देखिए मछली का मैरिनेशन स्टार्ट है और सबसे पहले इसमें हल्दी डाल दिया गया है और ये लाल वाला मिर्च है ना भैया। एक दिन में कितना मछली बना देते हैं भैया? हर दिन 20 किलो लगभग बना देते हैं। वाह, ये अच्छे से मछली को मैरिनेशन किया जा रहा है, अब इसको फ्राई किया जाएगा। आपको इस बाज़ार में प्योर झारखंडी स्टाइल में देखिए कोयले की आँच में चूल्हे पर बनाया जा रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे मछली को चूल्हे में फ्राई किया जा रहा है और बिल्कुल देसी अंदाज में किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई किया जाता है। तेल ये जो होता है वो हमेशा चेंज करते हैं ना अंकल जी? डेली नया तेल आता है ना। तो यहाँ पे चिकन बनाया जा रहा है और चिकन का कलर देखिए काफ़ी अच्छा सा है, थोड़ा ऐसे चला करके दिखा दीजिएगा। वाह, काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है। यहाँ पे जो चिकन बन रहा है ना, ये चिकन का रोगन देखिए ऊपर में जो झलक रहा है कितना अच्छा है प्रो भाई, जबरदस्त। ये हो गया आपका मटन का ग्रेवी, मटन को उठा करके दिखा दीजिएगा थोड़ा, हर एक पीस रहता है मटन का ना। मछली को फ्राई करके रखा गया है, ये देखिए मुंडी है और मछली का सारे पीसेस यहाँ पे लगाए गए हैं। स्नैक्स के आइटम में आ जाएंगे चुस्ता, और इधर चावल सर्व करके रखा गया है। और यहाँ पे देखिए ये टमाटर की चटनी है और ये धनिए की पत्ती है ना, ये दाल है तो बन गया है मतलब। तो यहाँ पे दाल देख सकते हैं जो कि हरा हरा धनिया का पत्ता इसमें डाला गया है। और यहाँ पे सब्जी में आ गया है आपका पत्ता गोभी वाला सब्जी। मछली खिलाते हैं भैया, तो कितना रुपये पीस खिलाते हैं? 2 पीस मछली चावल 50 रुपये खिलाते हैं। और अगर केवल मछली खाना चाहे चावल नहीं लेगा तो मछली 10 रुपये पीस देते हैं, 10 रुपये पीस मात्र। हाँ, और चिकन भी? चिकन भी 10 रुपये पीस। और जो मटन होता है वो केवल खाने चाहे तो? मटन खा लेगा तो 20 रुपये पीस पड़ेगा। सुबह का 7 बज रहा है, 7:30 लगभग, और यहाँ पे देखिए लोगों का भीड़ आना चालू हो गया है खाने के लिए। लग रहा है भैया खाने में? बहुत स्वादिष्ट है भाई, बहुत स्वादिष्ट है एकदम। क्या खा रहे हैं आप? चावल के साथ में मटन। चावल और मटन खा रहे हैं? मटन। तो मटन का टेस्ट कैसा है आपका? बहुत अच्छा है। तो यहाँ मटन के साथ और भी कुछ खाए हैं आप? यहाँ पर मछली भी खाए, मतलब हमेशा खाते ही रहते हैं यहाँ पर। कैसा लगता है सारी चीजों का टेस्ट? सभी का तो बहुत ही अच्छा रहता है। और आपके हिसाब से इनका जो रेट है वो कैसा? बहुत अच्छा है। रेट के हिसाब से मतलब जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया है। आप मतलब यहाँ पर 50-60 रुपये में जितना भी खाना खा सकते हैं। आप लोग को कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है खाने में? पूरा मस्त। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगवा लिया है, ये देखिए प्लेट। तो यहाँ पे चावल मिल गया है क्योंकि चावल अब मोटा वाला थोड़ा होता है, और इधर टोमेटो की चटनी है और थोड़ी सी भुजिया, और यहाँ दाल हमने ले लिया, और ये कुछ स्नैक्स के आइटम में चुस्ता मिल गया है, और ये प्याज, और हमने एक एक पीस सारी चीज़ों को लगवा लिया है। ये देखिए मटन का पीस है तो आपको 70 रुपये में ऐसे ऐसे 2 पीस मिलने वाले हैं, और ग्रेवी आप जितना ले सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार का कुछ पीस रहेगा चिकन का, जो कि 60 रुपये में 2 पीस होने वाला है। और मछली हमने फ्राइड वाला मंगवा लिया है, हमने ग्रेवी नहीं मंगवाया है। 10 रुपये पीस है ये, 10 रुपये पीस मात्र, 10 रुपये पीस। तो ये देखिए 10 रुपये पीस आपको मिलने वाला है मछली भाई, तो आपको यहाँ पे 10 रुपये मछली मिलने वाला है यार, वो भी अच्छा अच्छा साइज का होता है। तो 10 रुपये में तो हम कभी खाए भी नहीं है भाई, आज हम फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है। सबसे पहले हम चिकन का ग्रेवी के साथ टेस्ट करते हैं, ये ले लिया हमने चिकन का ग्रेवी, आइए आप टेस्ट करते हैं।
टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, इसमें जो लाल वाला मिर्च जो पड़ा है ना उसके कारण थोड़ा सा तीखा लग रहा है, बट टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बुरा नहीं है भाई। यहाँ पे जितना भी मसाला होता है ना वो पाउडर फॉर्म में पड़ता है, तीखापन रहता है, बट टेस्ट में आपको कोई भी खराबी नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ पे आएंगे ना तो आप संतुष्ट हो जाएंगे खाने के बाद। ऐसा नहीं है कि पकाया नहीं जाता, पूरे अच्छे से पकाया जाता है इसको। और ये देखिए मटन का पीस खुद आप हाथ से उखाड़ लेंगे, आप अलग कर सकते हैं इसको, देख लीजिए। फिश का ग्रेवी कितना गाढ़ापन है, तो हम एक ही साथ मिला लिए फिश का भी ग्रेवी को। हमको बिलीव नहीं हो रहा है भाई कि इतना सस्ता खाना और इतना अच्छा हो सकता है। लोगों को लगता है कि बड़े बड़े होटलों में जाने के बाद खाना बहुत ही बढ़िया मिलता है, बट ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मल कहीं भी ऐसे छोटे मोटे बाज़ार जहाँ लगते हैं वहाँ पे आप खाना खाएंगे ना आपको सही में सुकून मिलेगा। साथ में सारे लोग बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं खाने के लिए, लोगों का लाइन लगा हुआ पूरा बैठे हुए एकदम। अभी सुबह का 8 या 9 बज रहा होगा और सुबह लोग नाश्ता करते हैं और यहाँ पे नाश्ता में चावल खाना सारा कुछ खा करके और लोग काम पे जाते हैं। उधर भी घुमा दीजिए, भैया लोग बोल रहे हैं कि तो कैसा लग रहा है भैया खाने में? बहुत अच्छा लगता है, हमेशा आते हैं बाजार खाने, बहुत बढ़िया खाते हैं, उसके बाद काम करते हैं, एंजॉय करते हैं पूरा ना, बहुत बढ़िया। भैया लोग यहाँ पे जितना लोग खा रहे हैं ना ये लोग आते हैं, हर एक बाजार जाते हैं और खाना खाते हैं। लोग बाज़ार में खाना पसंद करते हैं और बाज़ार में इसलिए खाते हैं क्योंकि यहाँ का खाना जो है वो अच्छा होता है और सस्ता होता है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल बड़े बड़े होटलों में मिलेगा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोटे होटल में भी आपको अच्छा खाना मिलेगा। ये ले लिया हमने फिश, फिश है ना भाई, इसको भूजा हुआ ही खाने में, फ्राइड फिश ही खाने में मज़ा आता है। इसका ग्रेवी काफ़ी गाढ़ा है, वैसे ही नहीं यहाँ का जो फिश है इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। टमाटर की चटनी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, खाना तो वाकई में बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप भी आते हैं इधर तो मखमंदरों बाज़ार जब भी आते हैं और सोमवार और थर्सडे को अगर इधर अगर आ जाएंगे तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सुबह 5 बजे से ही लग जाता है, बट 7 बजे से खिलाने के लिए स्टार्ट हो जाता है। आप लोग आ करके एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, सही में दिल से बोल रहे हैं, सुकून जरूर मिलेगा भाई। और अगर आपको यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो आपको यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जगह का नाम है मखमंदरो, ये गांव ही है मखमंदरो, और यहाँ पे जो बाज़ार लगता है इसका नाम है मखमंदरो बाज़ार। तो ये आपको मिलने वाला है जस्ट रोड के किनारे, ये देखिए मेन रोड है और मेन रोड के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे दिखने वाला है ये बाज़ार। तो देखिए अगल बगल में आपको यहाँ सब्जी का मार्केट दिख जाएगा और इधर बहुत सारे वेराइटीज़ के चीज़ें मिलेंगे, फल सब्जी हर एक चीज़ खाने के लिए, समोसा जलेबी कचरी बर्तन वगैरह भी है। और इधर देखिए सब्जी उब्जी लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए भुजा उजा सारा कुछ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बोरे बोरे में आपको हर एक वेराइटीज़ के सब्जी आपको देखने, हरा हरा सब्जी देखने को मिलेगा और गाजर वगैरह पूरा थोक में यहाँ पे सब्जियाँ आती है। तो आप बताइए हमको वीडियो कैसा लगा आपको देख करके, अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।